इस वीडियो अपडेट में आज हम बात करेंगे सहरसा से बिहारीगंज के बीच कौन सी नई ट्रेन रेलवे 6 साल के बाद शुरू करने वाली है। तो चलिए इसे वीडियो अपडेट में बढ़ेंगे आगे। साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। 6 साल के बाद बिहारीगंज रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा और शुक्रवार से ही सहरसा से बिहारीगंज तक ट्रेन आने जाने के लिए सुविधा मिल पाएगी। रेल प्रशासन ने सहरसा और बनमनखी से बड़रा कोठी तक चलने वाली ट्रेन को 15 अप्रैल से ही बिहारीगंज तक एक्सटेंशन करने का निर्णय लिया है। नवनिर्मित बड़रा कोठी बिहारीगंज रेलखंड पर ट्रेन सेवा से शुक्रवार से शुरू हो जाने के बाद बड़ी आबादी को फायदा होगा। सहरसा, मधेपुरा, बनमनखी, पूर्णिया सहित अन्य जगहों से रेल नेटवर्क से बिहारीगंज जुड़ जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बताते हैं कि समस्तीपुर मंडल के बड़रा कोठी बिहारीगंज नए आमान परिवर्तन रेलखंड पर 15 अप्रैल से ट्रेन चल चुकी है। पहली ट्रेन 05238 DMU पैसेंजर ट्रेन चली, जो कि बनमनखी से बड़रा कोठी के बीच चलाई जा रही है, जिसका एक्सटेंशन बिहारीगंज तक कर दिया गया है। 3:02 पर यह ट्रेन खुलकर 3:09 पर रघुवंश नगर, 3:16 पर महीखंड पहुंचती है। दोपहर 3:30 यह ट्रेन बिहारीगंज पहुंचती है, जहां की यह ट्रेन 3:00 बड़रा कोठी से खुलती है। उसी दिन यह ट्रेन 05229 के साथ बिहारीगंज सहरसा DMU पैसेंजर ट्रेन बनकर बिहारीगंज से 4:30 खुलेगी और 4:55 पर बड़रा कोठी पहुंचेगी। यह ट्रेन 5:00 आगे के लिए प्रस्थान करेगी, जिसका एक्सटेंशन हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़े जाएँ। साथ ही नई ट्रेनों का अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।